ये टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2023 फाइनल हार गई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये टीम कभी फाइनल जीतता क्यों नहीं है, कभी सेमीफाइनल में हारता है, कभी फाइनल में हारता है, आखिर इसका वजह क्या है? 10 साल से आज तक एक भी इंटरनेशनल मैच में एक भी वर्ल्ड ट्रॉफी नहीं जीती है, इसके पीछे का असली कारण है क्या? 2003 में चैंपियन ट्रॉफी इंडिया ने जीता था और तब से लेकर के आज तक यानी कि 10 साल तक आज तक एक भी ट्रॉफी नहीं जीती है। 2014 T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में हार गई, 2015 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हार गया, 2016 में भी सेमीफाइनल में हार गया और 2017 के चैंपियन ट्रॉफी फाइनल में हार गया, 2019 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हार गया, उसके बाद 2022 का सेमीफाइनल भी हार गया और 2023 WTC फाइनल भी हार गया और अब 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल भी हार चुका है। आखिर ये टीम कर क्या रहा है भाई? 10 साल तक एक भी ट्रॉफी नहीं जीत पाई है, ये आखिर खेल क्यों रहा है? 2014 से पहले जो खिलाड़ी थे वो मैच विनर थे, जैसे युवराज सिंह, गौतम गंभीर, महेंद्र सिंह धोनी, हरभजन सिंह, जहीर खान, यूसुफ पठान, बहुत ऐसे मैच विनर बैट्समैन उस वक्त खेल रहा था, बॉलर बैट्समैन बहुत सारे मैच विनर थे। और आज तो इंडिया में बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है लेकिन फिर भी कोई कुछ कर नहीं पा रहा। और अभी लीग मैच में सब कोई अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, सब 50 मारेगा, कोई सेंचुरी मारेगा, कोई तेज मारता है, कोई स्लो मारता है, लेकिन सब मारता है। लेकिन फाइनल सेमीफाइनल में सबकी निकल जाती है, शुभम गिल सभी मैच में इतने अच्छे खेले और फाइनल में आकर के 32 शॉट मार के खत्म, और रोहित शर्मा जैसे आउट होता है वैसे तो, और विराट तो कुछ हद तक खेला लेकिन वो भी काम से गया। अब बात रही अय्यर की, अय्यर ने तो सेमीफाइनल में दिखा दिया लेकिन फाइनल में वो भी गया, और केएल राहुल भाई बॉल का ही शतक मार दिया भाई, मारेगा इंतजार करते करते बॉल का ही शतक हो गया लेकिन उसका बैट से कुछ भी नहीं आया। और सूर्य कुमार, अरे भाई सूर्य कुमार को क्यों खिला रहे हो? वो तो ODI मैच के लिए बना ही नहीं है भाई साहब। और सिराज नंबर वन बॉलर सभी मैच में फ्लॉप रहा, और शमी तो अच्छा ही किया लेकिन फाइनल में वो भी खत्म, और जडेजा क्या ही बोले, और फिर कुलदीप और बुमराह, अरे भाई छोड़ो क्या ही बोलूं। अब जो मैच हो रहा है ना ये सिर्फ फैन फॉलोवर के लिए मैच हो रहा है, जीतने के लिए मैच इंडिया खेल ही नहीं रहा, साफ साफ बात सुनो। और BCCI वाला क्या कर रहा है मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब छोड़ो भाई जो भी हुआ, लेकिन आज के बाद तो मैच नहीं देखनी। वैसे आपका इसके बारे में क्या रुझान है कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दें।